तो एवरी वन गाइज, आज मैं बनाने लगी हूँ छाछ वाली कढ़ी, मट्टे वाली कढ़ी, जिसके लिए मैंने ये घर का छाछ लिया है, घर का निकला हुआ छाछ है हमारा ये। इस छाछ में हम ये एक बाउल बेसन ऐड कर देंगे। ये एक किलो मट्ठा में मैंने एक बाउल बेसन ऐड किया है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। मट्टे वाली कढ़ी बनाना बहुत ही ईजी होती है, कुछ लोग को मट्टे वाली कढ़ी पतली हो जाती है, किसी की गाढ़ी हो जाती है। आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही इजी रेसिपी के साथ बनती है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। बिल्कुल लम्स के लिए हमने इसका बैटर रेडी कर लिया है। इसमें हम ये स्पाइसी ऐड करेंगे, रेड चिली, टर्मेरिक, कोरिएंडर, सॉल्ट, रेड चिली, टर्मेरिक, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, सभी को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें हम। हमारा बैटर रेडी हो चुका है, अब इसमें हम प्याज और जीरे का पेस्ट ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे इसको भी। अपना लंच भी बैटर बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें हम 1.5 किलो पानी ऐड कर देंगे, बस इसको देखिए रख देंगे। थोड़ा सा इसमें सरसों का ऑयल डाल देंगे ताकि ये कड़ी उफनते टाइम बाहर ना निकले। देखिए इस तरीके से अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। जब हमारी कढ़ी रेडी हो रही है तो हम पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। इसे हमारी कढ़ी जो है ऑलमोस्ट पक चुकी है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। बस अब हम अपनी पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकौड़े रेडी करने के लिए हमने ये बेसन लिया है, थोड़ी सी इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसमें बैटर जो है हम रेडी कर लेंगे, जैसे मिक्सअप कर लेंगे इसको। और इसका बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। हम अपने पकौड़े रेडी कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया, सभी पकौड़े हमने डाल दिए हैं, अब इसको पलट लेंगे। हमने इसको पलट लिया है, कितना अच्छा सा कलर आ चुका है गोल्डन। अब इसको हम डायरेक्टली उठाकर ही अपनी कढ़ी में ऐड कर लेंगे। बस हमने ये डायरेक्ट पकौड़े जो हैं अपने इसमें कढ़ी में डाल दिए हैं। इसके लिए हमने थोड़ी सी प्याज ली है, जीरा, थोड़ी सी मेथी और सूखी हुई लाल मिर्च। पहले हम प्याज भंगार हमारा रेडी हो चुका है। बस ये हमारी मट्ठे वाली कढ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी यम्मी लग रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इजी तरीके से बनती है, बहुत ही टेस्टी। इसको आप राइस के साथ, पराठों के साथ खाइए, बहुत ही मस्त लगती है। इसको आप पराठा के साथ, चावल के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है।